मैंने IIT पढ़ा, मैंने IIT दिल्ली से किया था, बीटेक किया, एमटेक किया, अमेरिका गया, वहाँ नौकरी भी की, सब छोड़ के मैंने फिर अपनी संस्कृति को पढ़ाया, मैंने PhD की उसमें, मैंने MA किया, फिर संस्कृत PhD पढ़ी और उसके बाद बहुत कुछ पढ़ा, मैंने सारे षड्दर्शन पढ़े, मैंने अपने गुरु जी से 26 वर्ष तक अध्ययन किया। मैं कोई धनी परिवार से नहीं हूँ, मेरे माता पिता एक सामान्य किसान परिवार के, गांव में हमारा जन्म हुआ था। आश्चर्य है कि मैं IIT में कैसे पहुँच गया। हमारा तो जो गांव में जहाँ जन्म हुआ था वहाँ बिजली तक नहीं थी, सड़क नहीं थी। भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ यहाँ काम सूत्र बना, यानी कि अगर आपको काम को भी अगर आनंद लेना है तो उसको भी सीखना पड़ेगा, कभी बताया नहीं जाता। आप स्कूल, कॉलेज, विद्यालय कहीं चले जाइए, पूरा जो आपका शिक्षा पद्धति है वो केवल आपको एक नौकर बनाने के लिए, कि आपको एक जॉब मिल जाए इसके बाद में। IIT में लोग क्यों जाते हैं? अरे उसको इतने का पैकेज मिल गया, सब पैकेज की बात करते हैं ना। अरे पैकेज तो मिल गया लेकिन अंत में पैसा लेके तो घर ही आओगे तुम। मेहनत इतनी करते हैं, IIT जाते हैं, पढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं, 40 साल तक जो है आप बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप स्थापित कर लिया अपने आपको, लेकिन अब आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको ये है, आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, तो क्या किया आपने? दुखी हैं। मैं आनंद से रहता हूँ। आपको कभी कोई टेंशन? टेंशन हमारे मीलों तक नहीं फटकती है। टेंशन किस बात की है जी? अगर टेंशन हुई इसका मतलब मैं मूर्ख हूँ। भगवान ने हमको बुद्धि दी है। अरे ये पशु पक्षी, इनमें बुद्धि नहीं है, ये भी टेंशन नहीं लेते, और मेरे पास बुद्धि है, मैं टेंशन लेता हूँ, तो इनसे तो गिरा हुआ ना मैं। आपको लगता है कि मुस्लिम लोग जास्ती कर रहे हैं हिंदुओं पर? मैंने कुरान का भी अध्ययन किया है। कुरान में वास्तव में ऐसे लिखा हुआ है कि अगर आपको काफिर, काफिर का मतलब होता है जो अल्लाह को नहीं मानता है, वो काफिर मिल जाए तो उसको, वो कहते हैं 4 प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना। एक तो उसको जो आप मुसलमान बना दो, वो मुसलमान नहीं बनता है तो उसको अपना स्लेव बना दो, दास, दास। अगर वो नहीं करता है उसको मार दो। तीसरा, अगर ये तीनों नहीं कर सकते हैं तो आप चुप बैठ के मौका ढूंढते रहिए, जब मौका मिले तब तब फिर कीजिए तीन। तो ये कुरान में ऐसे लिखा हुआ है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो है ये हिंदू ही कहता है, मुसलमान कभी नहीं कहता। आपने कभी सुना है मुसलमान को कहते हुए हिंदू भाई भाई? जी। ये सब हिंदू लोग कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में। मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूं। आज उसी श्रृंखला के बीच हमारे साथ सत्यनारायण बाबा जी हैं, जो IIT से BTech हैं, MTech हैं और उसके अतिरिक्त संस्कृत में PhD हैं, लॉ भी किया हुआ है, और क्या क्या किया हुआ है वो बाबा जी से जानेंगे। लेकिन ये जो संवाद श्रृंखला है ये विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी धारणा, जिनकी अवधारणा, जिनकी मन की सोच ऐसी होती है कि साधु, सन्यासी, बाबा लोग अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर उनको मॉडर्न स्टडी का कोई ज्ञान नहीं होता, उन लोगों के लिए विशेष तौर पर ये इंटरव्यू सेशन होने वाला है। तो बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार बाबा जी। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था विकिपीडिया पे तो मुझे पता चला कि आप IIT से BTech, MTech, शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं, तो मेरे को देख करके थोड़ा खुद भी आश्चर्य हुआ कि एक IIT से पढ़ा हुआ व्यक्ति एक बाबा जी है, साधु है, ये मतलब थोड़ा हजम सा नहीं हुआ। तो इसमें क्या हजम नहीं हुआ आपको? मतलब IIT से पढ़ा हुआ व्यक्ति बाबा जी है और फिर वो वैदिक ग्रंथों को पढ़ा रहे हैं। देखो, IIT से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो जी, हमारा जो भारतवर्ष है जी, ये ज्ञान प्रधान देश है। जैसे हमारा ये शरीर है तो शरीर में एक मस्तिष्क है और मस्तिष्क से ही शरीर चलता है जी। किसी का मस्तिष्क अगर ख़राब हो जाए तो उसका जीवन व्यर्थ है जी। तो उसी प्रकार ये जो पूरा भूमंडल है उसमें भारत मस्तिष्क है जी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय हूँ जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये अनुभव किया है जी। मैंने IIT पढ़ा, BTech किया, MTech किया, अमेरिका गया, वहाँ नौकरी भी की, और वहाँ जाके मैंने देखा कि ये सब दूर से बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंदर से सब खाली है। पूरी विदेशी इसको संस्कृति तो कहना एक गलती शब्द है। संस्कृति क्या है? संस्कृति शब्द का ये अर्थ कुछ और होता है। वहाँ की जो जीवन शैली मैं कहूँगा, संस्कृति शब्द में प्रयोग ही नहीं करूँगा उसके लिए।
वहाँ की जो जीवन शैली है, जीवन का जो उद्देश्य है, उसमें अंदर से एक खोखलापन है। क्या मतलब है अंदर से खोखलापन है? कि वहाँ के लोगों के पास में बाहर से देखने में हर सुविधा है, अच्छे मकान हैं, पहनने के लिए है, खाने के लिए है, उनका शरीर भी सुंदर देखने में लगते हैं, लेकिन मन में लोगों के शांति नहीं है। अंदर से लोग दुखी हैं, आपस में कोई प्रीति प्रेम संबंध बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत एक स्वार्थ की भावना रहती है उनमें, और अर्थ और काम प्रधान, तो उससे आदमी को शांति नहीं मिल सकती है। तो जब मैंने ये देखा और मैंने अपने भारत के बारे में सोचा, और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है, 1980 की बात है, मैं 1978 में गया था अमेरिका, तो फिर मैंने सोचा कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत, इसकी नींवें बहुत गहरी हैं और यही संसार की समस्याओं का समाधान दे सकती है जी। लेकिन हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और वो पूरा पाश्चात्य देश की जो जीवन शैली है उसी की नकल करने में लगे हुए हैं। हमारा भारत का युवा जो है वो एक प्रकार से मैं कहूँगा दिग्भ्रांत है, कन्फ्यूज्ड, भ्रांत, जानते हैं ना? जी जी जी। क्योंकि वो केवल उनकी दौड़ में दौड़ना चाहता है, और उसके कारण क्या है कि ये जो अर्थ और काम है इसको आपात रमणीय कहते हैं जी, इमिडिएटली अट्रैक्टिव, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है ये समझ में नहीं आता जी। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि तीन प्रकार के सुख होते हैं जी, एक सात्विक सुख होता है, एक राजसिक सुख होता है और एक तामसिक सुख होता है जी। तो राजसिक सुख वो होता है जो आरंभ में आपको बड़ा आकर्षक लगता है लेकिन उसका परिणाम दुखदायी होता है जी, समझे ना? आज की जीवन शैली उसी प्रकार की है, सब लोग उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं और उसका परिणाम केवल दुख है, अशांति और भ्रष्टाचार, यही मिलने को देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे जैसे एक आपकी कोई वाहन होता है, गाड़ी होती है, कार होती है, तो उसके चार पहिए होते हैं, अब उसमें केवल आप दो ही पहिए रखे हैं तो किस तरह से चलेगी? तो इसलिए हमारे यहाँ भारत में गाड़ी के चार पहिए बनाए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और आज उस गाड़ी के केवल दो ही पहिए रह गए हैं, केवल अर्थ और काम, पैसा कमाओ और मौज मस्ती करो। तो ऐसा नहीं है कि हमारी भारतीय संस्कृति में मौज मस्ती के लिए कोई अवधान सुविधा नहीं थी। भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ यहाँ काम सूत्र बना, यानी कि अगर आपको काम को भी अगर आनंद लेना है तो उसको भी सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मूर्खों की तरह तुम शराब पियो और एंजॉय करो। एंजॉय करने का भी एक तरीका होता है, आप भोजन करते हैं, एक तो गाय भैंस की तरह खा लो, और एक सभ्य व्यक्ति कैसे बैठ के आराम से शांति से भोजन करता है, उसमें एक अलग आनंद है। और गाय के सामने तुम सब कुछ और भैंस के सामने सब कुछ मिला के डाल दो, वो खा लेगी चुपचाप, और वही खाती रहेगी सुबह शाम दिन में तीन बार। तो उनको ये बुद्धि नहीं है। तो आज के मनुष्य को ये भी पता नहीं है कि मेरे पास पहले तो पैसा किस तरह से कमाना है ताकि मैं किसी झंझट में ना फंसूं, और अगर मेरे पास पैसा है तो उसका मैं किस प्रकार से उपयोग करूं कि मैं खुश रहूं। हमारे यहाँ जितने भी दर्शन हैं उनका मूल सिद्धांत ये है, सुखम में स्यात् दुखम मा भूत, ये उनका मूल है कि मैं सुखी रहूं और कभी दुखी ना हूं। क्योंकि ये हर व्यक्ति चाहता है, हर जीव चाहता है, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी वो भी यही चाहते हैं। और इसमें ये कोई नहीं है कि मैं हिंदू हूँ कि मैं मुसलमान हूँ कि मैं ईसाई हूँ कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, हर व्यक्ति सुख चाहता है और कोई भी दुख नहीं चाहता है जी। तो ये भारतीय संस्कृति उसी के लिए बनी थी। हमारे जो ऋषि, हमारे जो मनीषी थे, उन्होंने इस सब चीज़ का अध्ययन किया और निचोड़ निकाला कि किस तरह से व्यक्ति सुखी रह सकता है। तो इसीलिए आपने फिर वो एमटेक बीटेक वो सब छोड़ के मैंने फिर अपनी संस्कृति को पढ़ाया। मैंने पीएचडी की उसमें, संस्कृत, मैंने एमए किया, फिर संस्कृत पीएचडी पढ़ी, और उसके बाद बहुत कुछ पढ़ा। मैंने सारे षड्दर्शन पढ़े, मैंने अपने गुरुजी से 26 वर्ष तक अध्ययन किया। मेरे दूसरे गुरुजी थे, दो थे जिनसे मैंने अध्ययन किया, उनसे 22 वर्ष मैंने अध्ययन किया जी। और भी अनेक आचार्यों से मैंने अध्ययन किया।
तो गुरु जी बता रहे हैं कि आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाना बुरा नहीं है। और वेद में भी एक वाक्य आया है, वयम श्याम पतयो रहीणाम, हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों। ऐसा नहीं है कि आप दरिद्र भिखारियों की तरह जीवन जिए, ये भी वेद नहीं कहता, ये भी संस्कृति नहीं कहती। पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन उसमें अनासक्त भाव आप रखें और उसका आनंद भरपूर लें। तो स्वामी जी, कौन से सन की बात थी जब आपने बीटेक एमटेक आईआईटी, कौन सी आईआईटी से करा? मैंने आईआईटी दिल्ली से किया था जी। 1976 में बीटेक किया, 1978 में एमटेक किया। तो जब आप उस समय जब कर रहे थे, तो आपका तो बिल्कुल ऐसा विचार नहीं होगा कि मैं धर्म और संस्कृति के लिए जीवन आहूत करूंगा, तब तो सोच रहे होंगे कि जॉब करूंगा कहीं या कुछ इस तरह। हाँ, क्योंकि सब लोग जॉब की सोचते हैं, तो हम भी, और हमारे, मैं कोई धनी परिवार से नहीं हूँ जी। मेरे माता पिता एक सामान्य किसान परिवार के, गाँव में हमारा जन्म हुआ था जी। नहीं तो आश्चर्य है कि मैं आईआईटी में कैसे पहुंच गया। अच्छा। हमारा तो जो गांव में जहाँ जन्म हुआ था, वहाँ बिजली तक नहीं थी, सड़क नहीं थी, कुछ भी नहीं था जी। लोग हल से खेती करते थे, ट्रैक्टर और ये साइकिल, दो लोगों के पास में साइकिल थी पूरे गांव में। अच्छा। किसी के पास साइकिल भी नहीं थी, गाड़ी बैलगाड़ी से चलते थे या पैदल चलते थे, और आसपास कोई स्कूल भी नहीं था। लेकिन किसी तरह से हमारे पिताजी की इच्छा थी कि सब लोग, हमारे मेरे सारे भाई अध्ययन करें, पढ़ें, और सबको उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाया। उस समय 5 आईआईटी होती थी केवल, 5, उसमें से एक में आपका चयन हो गया था। तो बाद में रोका नहीं माता पिता ने, वो डांटा नहीं कि क्यों तुम ये बन रहे हो साधु और बाबा? नहीं, तो मैंने उनसे पूछ के नहीं किया। अच्छा। उनके पूछ के करता तो शायद वो मना करते। हाँ। तो मैं तो बगैर पूछे साधु बन गया। अच्छा। उसके बाद में उनसे मिला तो उनको थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन जब मैंने उनको समझाया तो उनकी सबकी समझ में आ गई ये बात जी। यहाँ तक कि मेरे जो भाई हैं वो भी इसी रास्ते पर चले। वो भी सब बाबा डॉक्टर नहीं? अच्छा। बाबा नहीं है, लेकिन समाज के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। हमारे डॉक्टर प्रताप चौहान है, उन्होंने आयुर्वेद पढ़ा, वो भी इंजीनियरिंग में थे, छोड़ के आयुर्वेद का अध्ययन किया। मेरे बड़े भाई भी अमेरिका में चले गए थे, उनको वो वापस आए तो भी एक, हम जीवा पब्लिक स्कूल चलाते हैं फरीदाबाद में, उसमें हम लोगों में, अपने बच्चों में इसी प्रकार के संस्कार देते हैं। क्योंकि जो भारतीय पद्धति है, जो सिलेबस है, कार्यक्रम है, वो तो सेम पढ़ाना पड़ेगा हमको भी, लेकिन उसके साथ में हम बच्चों को सिखाते हैं ये सब कि जीवन का क्या उद्देश्य है और जीवन में किस तरह से हमको जीना चाहिए। क्योंकि जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, तो पहले तो आपकी गाड़ी ठीक होनी चाहिए, फिर आपका गंतव्य कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ जाना है आपको जी। और आप कहाँ जाना है उससे पहले ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हैं। जैसे आजकल GPS है, तो GPS पहले आपको बता देता कि आप यहाँ पर हैं, फिर आप उसमें फीड करेंगे कि मेरे को यहाँ जाना है, तब वो आपको बताएगा कि इस रास्ते से जाइए। तो उसी प्रकार हमारी जीवन भी एक यात्रा है, और अगर एक यात्रा है तो ये हमको निश्चय करना, एक तो ये है कि मैं किसी भी बस में जाके बैठ जाऊँ, जहाँ ले जाएगी ले जाएगी, तो पृथ्वी तो आपको जहाँ ले जाएगी ले जाएगी, लेकिन मेरे को कहाँ जाना है ये इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए मेरे को दो चीज़ समझनी पड़ेंगी, एक तो मैं कहाँ पर हूँ इस समय, और एक मेरे को कहाँ जाना है। तो ये कोई बहुत कठिन समस्या नहीं है, कहाँ जाना है सबको पता है। मैं खुश रहना चाहता हूँ, मेरे को खुशी चाहिए, मेरे को आनंद चाहिए, मेरे को दुख नहीं चाहिए, तो ये तो मेरा गंतव्य स्थान है जी। इस समय मेरी क्या स्थिति है वो मेरे को अध्ययन करना पड़ेगा। सही। मैं कौन हूँ ये मेरे को जानना पड़ेगा, लेकिन ये शिक्षा कहीं दी नहीं जाती है, कभी बताया नहीं जाता। आप स्कूल, कॉलेज, विद्यालय कहीं चले जाइए, पूरा जो आपका शिक्षा पद्धति है वो केवल आपको एक नौकर बनाने के लिए, कि आपको एक जॉब मिल जाए इसके बाद में। आईआईटी में लोग क्यों जाते हैं? अरे उसको इतने का पैकेज मिल गया, सब पैकेज की बात करते हैं ना। अरे पैकेज तो मिल गया, लेकिन अंत में पैसा लेके तो घर ही आओगे तुम, ऑफिस तो नहीं रहोगे 24 घंटे। घर आओगे तो आपके बच्चे होंगे, पत्नी होंगी, माँ बाप, भाई बहन, जो भी आपका परिवार होगा उनके साथ रहोगे। अब ये कौन सी शिक्षा है, किस विद्यालय में सिखाया जाता है कि आपको परिवार में कैसे रहना है? कहीं नहीं सिखाते। समाज में क्या कैसे रहना है कहीं नहीं सिखाते। राष्ट्र क्या होता है कहीं नहीं सिखाते। तो केवल मैं चला गया, सरकार इतना पैसा खर्च करती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस पर, उनकी ग्रांट से तो चलते हैं ना जी। तो आप उस सरकार के लिए क्या करते हैं? उसके बाद में पैकेज करके आप अमेरिका चले गए, आप अपने देश के लिए क्या किया आपने? क्यों? ये उनकी गलती नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि ये विद्यार्थियों की गलती है, उनको ये समझाया ही नहीं जाता है। ये हमारी विद्या, हमारी जो विद्या है, हमारी जो विद्या पद्धति है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, उसमें एक ये कमी है, ये लकुना है जी। इसको ठीक करना चाहिए।
और ये ज्ञान हमारे भारत में ही है और कहीं उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने कहा ना कि भारत एक मस्तिष्क है। तो अगर ये मस्तिष्क नीचे चला गया तो पूरा पृथ्वी नीचे जाएगी जी। भारत में ऐसा नहीं है कि भारत में समृद्धि नहीं थी जी, ये ब्रिटिश के लोग, फ्रांस के लोग, पुर्तगीज लोग, मुगल, ये सब क्यों आए यहाँ पर? क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था जी। हमको ये पढ़ाया नहीं जाता, हमको यही पढ़ाया जाता कि इन्होंने आके ये लूटा, अरे लूटा तो यहाँ कुछ था तभी तो लूटने के लिए आए वो जी। इतना कष्ट उठा के इतनी दूर से क्यों आए यहाँ? यहाँ गर्मी पड़ती है, बिजली नहीं है, क्यों आए यहाँ पर? बिजली आती है तो 2 घंटे के लिए चली जाती है, किस लिए आए यहाँ पर? क्या यहाँ के यहाँ पर कुछ था जी? तो वो भारतीय संस्कृति, ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति गरीबों की थी जी। यहाँ आप देखिए, चाणक्य ने अर्थशास्त्र भी लिखा तो उसने ये भी कहा है कि अर्थ पैसा कमाइए, लेकिन पैसा ऐसे मत कमाइए कि आप उसका उपभोग ना कर सकें, और ऐसा मत कमाइए कि वो धर्म के विरुद्ध जाए जी। ये उसने अपने चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में पहले ही लिखा है जी। कामसूत्र पढ़िए, वात्स्यायन जी ने वहाँ भी लिखा है यही बात कि आप काम का उपभोग करो, लेकिन ऐसा उपभोग मत करो कि आप गरीबी हो जाओ जैसा कि लोग करते हैं आजकल, या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, या आप अधर्मिक हो जाओ। क्योंकि वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब आपकी गाड़ी है तो उसमें सारे पहिए काम करने चाहिए, तो लोग पैसा आ जाता फिर वो किसी को समझते नहीं है, लेकिन फिर क्या होता, आप मेहनत इतनी करते हैं, IIT जाते हैं, पढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं, 40 साल तक जो है आप बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप स्थापित कर लिया अपने आप को, लेकिन अब आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको ये है, आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, तो क्या किया आपने? अरे स्वस्थ रहिए, आयुर्वेद कहता है कि आपका स्वास्थ्य जो है वही जीवन है। धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम तद्भावे ही भावानाम। आपका अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो आप ना पैसा कमा सकते हैं, ना एंजॉय कर सकते हैं, धर्म की दूर बात और मोक्ष की तो दूर की बात रही, उसको तो वैसे कोई सोचता ही नहीं है जी। तो इसलिए हमको अपने जीवन की हर एक पहलू को देखकर चलना पड़ेगा, और ये ज्ञान केवल हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारत के शास्त्र यही सिखाते हैं। तो मैं अपनी युवा पीढ़ी से यही एक निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि आप जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, पैसा कमाना चाहते हैं कमाइए, मैं मना नहीं करता, खूब कमाइए पैसा, भरपूर पैसा कमाइए, आप एंजॉय करना चाहते हैं कीजिए, खूब आनंद उठाइए, जीवन आनंद उठाने के लिए है, कष्ट उठाने के लिए नहीं है, लेकिन आप उसमें जो कार्य कर रहे हैं उसका क्या नतीजा, उसका परिणाम, उसका फल, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सोच कर कीजिए। आप शराब पीते हैं, कहते हैं मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आपका लीवर ख़राब हो जाएगा उसके बाद में, तो आप अपना पैसा भी फूंक रहे हैं, अपना स्वास्थ्य भी ख़राब कर रहे हैं। लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो पैसा ही तो फूंक रहे हैं ना आप, और अपना स्वास्थ्य ख़राब कर रहे हैं, और आप अपने वातावरण को भी आप दूषित कर रहे हैं। तो इसलिए एंजॉय करने के अनेक तरीके हैं, तो इस तरह से आप आनंद उठाइए अपने जीवन में कि आप भी सुखी रहें, आपका परिवार भी सुखी रहे, समाज भी सुखी रहे, और राष्ट्र का भी सुख रहे। स्वामी जी, आजकल अगर भारत की परिस्थिति को देखें तो जगह जगह हिंदुओं की हत्या की जा रही है, जो हिंदू सनातन धर्म से जो लोग बिलोंग करते हैं। अभी पिछले दिनों कन्हैया लाल को उदयपुर में मार दिया, कमलेश तिवारी को उत्तर प्रदेश में मारा, अभी साउथ में भी कुछ हिंदुओं को मारा, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो मुस्लिम, आपको लगता है कि मुस्लिम लोग जास्ती कर रहे हैं हिंदुओं पर? मैंने कुरान का भी अध्ययन किया है, कुरान में वास्तव में ऐसे लिखा हुआ है जी कि अगर आपको काफिर का मतलब होता है जो अल्लाह को नहीं मानता, उसको काफिर उनकी संज्ञा देते हैं, वो काफिर मिल जाए तो उसको वो कहते हैं 4 प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना। एक तो उसको जो आप मुसलमान बना दो, वो मुसलमान नहीं बनता है तो उसको अपना स्लेव बना दो, दास। अगर वो नहीं करता है उसको मार दो। तीसरा, अगर ये तीनों नहीं कर सकते हैं तो कह रहे हैं फिर शांति से बैठिए और मौका ढूंढते रहिए, जब मौका मिले तब फिर कीजिए तीन। तो ये कुरान में ऐसे लिखा हुआ है, तो इसी को दिखाया जाता है उनको। तो आपको लगता है कि यदि कुरान में ऐसी शिक्षा है तो ये जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम भाई ये हो सकता है? ये संभव नहीं है जब तक वो लोग ना सोचें। ये हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो है ये हिंदू ही कहता है, मुसलमान कभी नहीं कहता। आपने कभी सुना है मुसलमान को कहते हुए हिंदू भाई भाई? जी। ये सब हिंदू लोग कहते हैं जी। और ये मैं सोचता हूँ कि हिंदुओं को मूर्ख बनाने का एक तरीका भी है जी, ताकि वो चुप रहें कि हाँ यार शांति से रहना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म शांति की बात करता है। आपने हर जगह सुना होगा ओम शांति शांति शांति,
और हमारा धर्म जो है वो कभी धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ कहता नहीं है। जो जिसका जैसा स्वभाव है उसको करें। पहले यहाँ लोग आए हजारों साल से जी, तो इस सोसाइटी में रहे जी, लेकिन उस सोसाइटी के विरुद्ध में उन्होंने काम नहीं किया तो कोई परेशानी नहीं है। तो आप जिस भी समाज में जाओ उस समाज के नियमों को आपको मानना पड़ेगा। आप किसी मुसलमान देश में जाएं तो आप रह सकते हैं कि अपना अपने धर्म से उनकी बात माननी पड़ेगी आप जी। तो जब यहाँ पर ये जो हिंदू या सनातन धर्म प्रधान देश है जी, तो उनको भी इसका आदर करना चाहिए। स्वामी जी, इतना अनुभव आपका है, आपने कई देशों में प्रचार भी किया संस्कृति का और धर्म का, विदेशियों के बीच आप बेहद चर्चा में रहते हैं, तो ऐसा कोई वाक्या, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको हमेशा याद आता हो अपने अब तक के जीवन काल का, जो मतलब आप जिसको याद करके खुश हो जाते हो या जिसको याद करके आप आनंदित हो जाते हो, कोई ऐसा वाक्या? आनंदित मैं तो तभी हुआ जब मैंने यहाँ से अमेरिका गया और वहाँ काम करने लगा और संस्कृति को समझा जी। तो तब मेरे को अपनी संस्कृति की गहराई, इसका महत्व समझ आया। तो तब मेरे को बड़ा आनंद आया जी। तब मैंने सोचा कि यार हम तो एक ऐसी संस्कृति को बिलोंग करते हैं, एक ऐसी संस्कृति में पैदा हुए हैं कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है जी। तो मेरे को उस संस्कृति के लिए अपना कुछ काम करना चाहिए। इंजीनियर तो लाखों इंजीनियर हैं भारत में, वो कर रहे हैं, तो उससे क्या जी। तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात को। तो कभी कभी हम अपने घर में रहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो अपनी महत्व को हम समझते नहीं हैं। तो वहाँ जाकर मेरे को ये महत्व समझ आया और फिर मैं भारत आया, तो मेरे को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वामी जी, आज भी बहुत सारे लाखों नौजवान हैं जिनका सपना होता है कि वो अमेरिका जाएं, वो यूनाइटेड किंगडम जाएं, वो अन्य बाहर के, उनको विदेश जाने से मतलब है, चाहे वो फिर कैसा ही देश हो। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, आप जाइए, मैं फिर नहीं कहता कि आप मत जाइए, जाइए, लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलो जी। आप चाहे अमेरिका जाओ, चाहे आप जर्मनी जाओ, चाहे फ्रांस जाओ, कहीं भी जाओ जी, लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलो। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि अपनी संस्कृति को इसलिए नहीं भूलो मैं भारतीय, क्योंकि इससे आपका ही लाभ होगा जी। मैं ऐसे बहुत भारतीयों को जानता हूँ जो यहाँ से गए हैं, मेरे अपने जो साथ के सहपाठी हैं, जो वहाँ पर जाके बस गए हैं और वो बिल्कुल दुखी हैं। बहुत पैसा कमाया है, मिलियनेयर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा कमाया, रिटायर हो गए, लेकिन क्या है उनके बच्चे कहीं हैं, ये कहीं हैं, दुखी हैं। तो मैं आनंद से रहता हूँ। आपको कभी कोई टेंशन? टेंशन हमारे मीलों तक नहीं फटकती है। टेंशन किस बात की है जी? अगर टेंशन हुई इसका मतलब मैं मूर्ख हूँ। टेंशन मूर्खता का फल है। भगवान ने हमको बुद्धि दी है, अरे ये पशु पक्षी इनमें बुद्धि नहीं है, ये भी टेंशन नहीं लेते, और मेरे पास बुद्धि है, मैं टेंशन लेता हूँ, तो इनसे तो गिरा हुआ ना मैं। ये बंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, इनका खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, रहने का कोई, लेकिन तनाव नहीं है यार, कूदते हुए घूम रहे हैं मस्ती से। तो मनुष्य को प्रसन्न रहना चाहिए, अगर वो प्रसन्न नहीं है तो ये केवल उसकी अज्ञानता का एक कारण है, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है जो इनके अंदर नहीं है। तो बुद्धि दोनों तरफ से काम करती है, दुधारू तलवार है ये, तो अगर उसका आप सदुपयोग नहीं करेंगे तो दुरुपयोग में चलती है। फिर आपको चिंता होती है, अरे बड़ा होके क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये तो चिंता नहीं करते ना। कुत्ता आता है, उसको खाना डाल दो, खा के चला गया, थोड़ी सोचता शाम को क्या होगा, शाम के लिए भी रख लूँगा। तो युवाओं को जो पढ़ रहे हैं उनको अपने फ्यूचर की चिंता नहीं होनी चाहिए कि मैं? नहीं, होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए जी, जी। लेकिन चिंता होने का मतलब ये नहीं कि केवल आप चिंता करो, चिंतन करो, चिंता नहीं चिंतन, चिंतन के मेरे को अपना जीवन कैसे बिताना है, मैं दूसरों से सीखूं। बहुत सारे भारतीय लोग विदेश गए हैं, उनका जीवन शैली में पढ़ूं, क्या वो आनंद में है, और बहुत सारे नहीं गए हैं, वो उनका जीवन कैसा है। आप यहाँ रहो वहाँ रहो, लेकिन आनंद से रहो। स्वामी जी, पहले आपका क्या नाम था? जब पहले मेरा नाम सत्यपाल सिंह। सत्यपाल सिंह, आपने अभी जैसे स्ट्रेस की बात करी कि चिंता मत करो, जानवर भी चिंता नहीं करते, तो आज अगर हम वर्ल्ड की एक सूची देखें तो उसमें स्ट्रेस के मामले में, सुसाइड के मामले में इंडिया बहुत अग्रिम पंक्ति में आज शामिल हो गया, खासकर युवाओं में।
आत्महत्या के केसेस, युवाओं में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप क्या कहेंगे? और ऐसे ऐसे युवा हैं जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, जो बहुत इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में जिनकी एजुकेशन हो रही है, वो पता चलता है किसी ने हॉस्टल में फांसी लगा ली, कोई छत से कूद गया, तो उनको आप क्या क्या मतलब देंगे टिप्स कि कैसे इससे बचा जाए? उसका कारण ये होता है कि हमारे मन में जो है ना वासनाएँ रहती हैं, इच्छाएँ रहती हैं, और साथ में संतोष नहीं है जीवन से जी। तो हमको दोनों का बैलेंस बना के चलना है जी। हमको अपने जीवन में संतोष भी रखना चाहिए कि मेरी जो स्थिति इस समय है जी, मैं इससे संतुष्ट रहूं, और साथ में इतना भी संतुष्ट ना रहूं कि मैं आगे कुछ तरक्की के लिए काम ही ना करूं जी। तो मेरे को अपना आगे की योजना भी बनानी है, लेकिन जिस स्थिति में हूँ उसमें मेरे को प्रसन्न रहना चाहिए जी। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तनाव आएगा, चिंता होगी, तो लोग अपना कुछ गोल बना लेते हैं बहुत ऊंचा, और जब उसकी प्राप्ति नहीं होती है या वो सोचते हैं कि इसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं, तो फिर वो निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, इस तरह के करते हैं, तो ये ठीक नहीं है ऐसा करना। भगवान भगवद गीता में कहते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि आप सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जीत में, पराजय में, आप सम रहें, उसी को योग कहते हैं। समत्वम योग उच्चते, सिद्ध सिद्ध समोभूत्व समत्वम योग। योग का मतलब खाली बैठ के आसन प्राणायाम करना नहीं है, योग का मतलब आपको अपने मन को एक समता की स्थिति में रखना है, बह नहीं जाना है। बाहर का वातावरण बदलता रहता है, कभी गर्मी, अभी गर्मी पड़ रही है, कभी ठंड आएगी, तो मेरे को दोनों स्थिति में अपने मन को साध के रखना है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी कभी बाएं जाएगी, कभी दाएं जाएगी, तो अपने स्टीयरिंग को पकड़ के रखते हैं ना, तो ताकि अपने उद्देश्य पर चलते रहें। तो ऐसे ही आपको अपने मन को नियंत्रण में रखना है, और मन ही जो है वही समस्या का कारण है जी। मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षय जी। ये आपका शत्रु भी है, मित्र भी है जी। आत्मा ही आत्मनो बंधु आत्मा रिप्रो आत्मनो, भगवान गीता में कहते हैं कि ये मित्र भी है, शत्रु भी है। अगर मन आपके ऊपर हावी हो गया तो ये आपका शत्रु है, आपका विनाश करके छोड़ेगा, शांति से नहीं बैठने का। और मन अगर आपके नियंत्रण में है तो आपका बहुत अच्छा मित्र है, आपको हमेशा प्रसन्नता देगा जी। तो ये सब शिक्षा थोड़ी देनी चाहिए। भगवद गीता अब विदेशों के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, महाभारत पढ़ाई जा रही है जी। और हमारे यहाँ पढ़ाने चलो तो 50 लोग खड़े हो जाएंगे इसके विरुद्ध में कि नहीं ये धर्म को क्यों ला रहे हैं। अरे धर्म नहीं है गीता, जब भगवान कृष्ण ने गीता बोली थी आज से 5250 साल पहले, उस समय जिनको आप धर्म कह रहे हो ये थे ही नहीं। सही बात, उन्होंने ये मनुष्य के लिए बोली है, किसी धर्म के लिए नहीं बोली। हिंदू भी नहीं था उधर, ये हिंदू नाम भी बाद में आया। ये गीता में भी बार बार आर्य शब्द से, आर्य शब्द, आर्य मतलब जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, तो वो कोई भी हो सकता है, वो मुसलमान भी आर्य हो सकता है, ईसाई भी आर्य हो सकता है जी। तो गीता जो उन्होंने बोली है वो मनुष्य की भलाई के लिए बोली है जी, वो हिंदू के लिए नहीं बोली। तो लोग ये सोचते हैं गीता तो हिंदुओं का है, हिंदुओं का नहीं है, मनुष्य का है जी। कोई भी उससे लाभ ले सकता है, और लेते हैं लोग विदेशों में, हजारों लोग इसको पढ़ते हैं जी। बड़े बड़े वैज्ञानिक पढ़ते हैं जी। मैं ऐसे अनेक वैज्ञानिकों को मिला हूँ जो गीता पढ़ते हैं जी। और उससे उनको बहुत शांति मिलती है जी। बड़े बड़े दार्शनिक विदेश के इसको पढ़ते हैं। स्वामी जी, अगर यूथ शुरुआत करना चाहे किसी ग्रंथ को या भारतीय संस्कृति को जानने की, तो कौन से ग्रंथ से करें और कैसे करें? मैं आपको एक छोटा सा ग्रंथ बताता हूँ। गीता कहूँगा तो सोएंगे, अरे ये तो समझ नहीं आती। एक छोटी सी पुस्तक है हितोपदेश। अच्छा। उसको आप पढ़ें। अच्छा। उसमें कहानियाँ हैं जी। लेकिन इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक हैं आपको ज्ञान और व्यवहार के लिए जी। मैंने उसके पहले भाग का अनुवाद भी किया और उस पर मैंने अपनी कमेंट्री भी लिखी है जी, ताकि लोग उससे फायदा उठा सकें। पहले हमारे स्कूलों में बच्चों को सबसे पहले यही पढ़ाते थे, तो उसको पढ़िए, उसको आपको पता चलेगा कि जीवन में कैसे जीना चाहिए, मित्र कैसे बनाना चाहिए, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, किससे कैसे व्यवहार करना, ये सब सिखाया है उसमें, उसको पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा, और फिर ये नहीं कह सकते कि ये तो हिंदुओं की पुस्तक है, ये तो उपदेश कहानी मानव के लिए, कोई भी पढ़ सकता है उसको, मुसलमान भी पढ़ सकता है, ईसाई भी पढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। तो ये स्वामी जी थे बाबा सत्यनारायण जी, और साफ आप जब पढ़ेंगे भक्ति को तो आपको पता चलेगा भक्ति का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, संस्कृति का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, धर्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कल्चर का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब आप इन
चीज़ों के आगे पदार्पण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आप पहले चीज़ें कर रहे थे उसका ज़रूर कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट था, पर ये सब चीज़ें आपके जीवन में पॉजिटिविटी को इंगेज करती है, आपके जीवन में सकारात्मकता को लाती है। तो बाबा जी के साथ आज आपको हमारा ये संवाद कैसा लगा, बाबा जी की कौन सी बात ने आपके दिल को छुआ, बाबा जी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नए ऐसे व्यक्तित्व के धनी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।